गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह तो 9 बजे ही सो करके जगी, मैं पता है मेरे को लेट हो गया, लेकिन कोई ना, मैं तो डेली उठती हूँ यार, 9-10 बजे जाते हैं मेरे को। तो अभी मैं तो नहा वहा करके रेडी हो गई, पूजा पाठ भी कर लिया मैंने, तो अब मेरे को जोर से भूख लग रही है। सबसे पहले कि मैं नाश्ता करने जाती हूँ। अभी योगेश ना बाहर गए थे तो मेरे लिए ये चाट लेकर के आए, मैंने बोला था लाने के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, चूरू में ये बहुत अच्छा बनाते हैं। दीदी क्या कर रही है इधर? बाबू सो रहा, टीवी चला के बैठी हुई है। अरे ये सो नहीं रहा था ना, इसलिए इसको ऐसे सुलाया है। ऐसे सुला लग रहा है जैसे बॉल बन गया ये। बॉल नहीं, सो गया ये। सो तो गया ही है। और सो जा। दीदी किधर है? दीदी क्या कर रही है यहाँ पे बैठ के? और ये क्यों खोल के रखी है इतने सारे कबर्ड? बहुत गंदा है, इसी को ठीक कर रही हो। गंदा ना दीदी, अभी लेकर के इतने सारे जो बैठी है भाई, कर तो लेगी क्या? अरे कर लूंगी, तू भी मदद करना मेरा यार, ऐसे बहुत गंदा है। एक भी साड़ी का ना तो पेटीकोट मिल रहा ना ब्लाउज मिल रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा। सारा काम मम्मा ही करके रखती है, इधर से उधर घुमा के मेरा कपड़ा तेरा कपड़ा दोनों का मिक्स करके रखती है माँ इसमें। चल ठीक है, मैं भी कर देती हूँ। अभी ना हम सारे फैमिली मिल करके देपाल सर जा रहे हैं गाड़ी की पूजा करवाने। वैसे तो वहाँ पे तो पूजा हो गई थी, लेकिन इधर का नियम है कि जहाँ घर होता है ना वहाँ पे भी पूजा करवाना जरूरी होती है, इसलिए हम लोग गाड़ी की पूजा करवाने के लिए देपाल सर जा रहे हैं। मैं तो अच्छे से रेडी हो गई हूँ, मैंने भी आज साड़ी पहना है, वैसे दीदी भी साड़ी पहनी है, लेकिन इसके कारण सबसे लेट होता है हमेशा, क्योंकि सबसे लेट तैयार होती है घर में ये, पता नहीं क्या ही करती है, इतनी टाइम लगाती है लगता है रेडी होने में। तो मेरे को इतनी टाइम नहीं लगती यार, मैं भी तो लड़की हूँ, मेरे को तो नहीं लगती, हमेशा सबसे लेट यही करती है। सेलिब्रिटी हूँ। हाँ देखा है मैंने, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है तू। जल्दी से रेडी हो जा, उसके बाद निकलते हैं। तो अभी हम लोग घर से तो निकल गए, और इसे देखो सबसे लेट आज ये भी किया जाने में, तो अभी चलते हैं गाड़ी में। गाइस जा तो हम लोग आज देपाल सर रहे थे, लेकिन आज हमारा जाना हुआ नहीं, वो इसलिए क्योंकि रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और प्रॉब्लम ये हुई थी कि 2-4 लड़के हमारे गाड़ी के पीछे पड़ गए थे, उन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो गाड़ी रोकने के लिए बार बार हमें बोल रहे थे, और जीजू अकेले हमारे साथ गए थे, इसलिए जीजू को गाड़ी रोकना सही लगा नहीं, इसलिए मंदिर पर गाड़ी रोका नहीं उन्होंने, इसलिए हम लोग सीधा फिर आकर के श्याम जी के मंदिर पर आकर के रुके, यहाँ पर हम लोग गाड़ी का पूजा करवाएंगे। अब तो अभी गाड़ी की पूजा कर रहे हैं पंडित जी। बिना हम लोग माता रानी का दर्शन करने के लिए आए हुए मंदिर, क्योंकि यहाँ पे मूर्ति बैठा है ना, इसलिए, और वैसे भी आज नवरात्रि है तो सोचे हम लोग दर्शन करते हुए हम लोग जाते हैं। ये देखो मेरे फैन मिल गए दो, क्या ही बोलूं, अब मिलना तो पड़ता ही है। पर साथ में सेलिब्रिटी कौन है? ठीक रहा है, मेरे फैन है वैसे ये लोग, पीछे पीछे आ गए। एक ना मोहल्ला है यहाँ पर, जब उस मोहल्ला से क्रॉस करते ना मैं और पंकज, तो उस मोहल्ले के गोबर है सामने, गोबर पे पैर दे दे, इतना ज्यादा पीछे से आवाज लगाते हैं ना, आवारा मैम, नहीं आवारी मैम, आवारा सर, इतना ज्यादा। इन लोग के फैन हो सकते हैं, घर तक छोड़ने आते हैं, इन लोग के फैन हो सकते हैं, लेकिन ये अभी फिलहाल मेरी फैन है, पीछे पीछे आ रही थी, थोड़ा मैं मिल लेती हूँ। माता रानी का दर्शन करके अब बस भूख लग रही है, सबसे पहले तो जाकर के अब मैं खाना खाती हूँ। अभी ना मैं अपने फ्रेंड के पास आई हुई हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा, वो मेरे साथ ही रहती है वैसे, तो बस उसे मिलने के लिए अभी आई हूँ, वो तो आती नहीं, इसलिए सोचा मैं ही आ जाती हूँ। आ गई मैं। अरे ये बीच में जानी पहचानी से लगती है मेरे को, कोई कौन है ये? इसके बारे में ही बात कर रही थी, इसके बारे। अच्छा दीदी बैठी है क्या यहाँ पे? मेरे से पहले से आके बैठ गई है। इससे मिलाने आई, उससे बात करवा, इससे मिलाने आई है, नाम बता। मेगा। कोई स्कूल की स्टूडेंट लग रही है मेगा। इधर इनकी मम्मी बुआ जी, इनको तो आप लोगों ने व्लॉग में, जीजू के व्लॉग में तो देखा ही होगा आप लोगों ने, दुल्हन दुल्हन बनाया था जीजू को बुआ जी ने। तेरे को तो कोई नहीं जानता, बस मेरे लिए ही तेरे को जानता है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरी फैन है, आप लोग जानते हैं, मेरी सेलिब्रिटी है, मेरी फैन है, सबको पता है दीदी। ये ऐसी है जो हमें रोज परेशान करती है। अच्छा मैं डेली परेशान करती हूँ।
रात को मैं मेगा के घर से आकर के ना खाना पीना खा करके डायरेक्ट सोगी, और आज सुबह सबसे पहले उठ करके ना मैं एडिटिंग का काम कर रही हूँ। जीजू ने मेरे को एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत सिखाया है, अच्छे से तो नहीं आता, पता नहीं कैसी एडिटिंग हुई है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं लैपटॉप में। तो आप लोग मेरे को जरूर बताना कि मेरी एडिटिंग कैसी हुई है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो वो भी मेरे को कमेंट्स में बताना ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी व्लॉग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर के चेक कर लो और फॉलो कर लो। तो ये मैं चलती हूँ, बाय बाय।